त्रिपुरा में दो लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी दोनों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी की गठबंधन पार्टी आईपीएफटी ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सीट जनजातियों के लिए आरक्षित है। यही वजह है कि बीजेपी और आईपीएफटी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आईपीएफटी 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से हाथ मिलाने को तैयार है, वहीं बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने के अपने निर्णय पर अटल है। दूसरी ओर जनजाति आधारित राजनीतिक पार्टी आईएनपीटी राज्य के सभी जनजाति आधारित राजनीतिक पार्टियों से हाथ मिलाने का प्रयास कर रही है। स्ट्रेटेजी एक ही है, जीतना है और सामने वालों के डिपॉजिट गोल करने हैं इस बार। इसके बाद में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस त्रिपुरा में पैर नहीं जमा सकेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। आईपीएफटी जो अपने अलाई पार्टनर है वो मांग कर रहे हैं पूर्व त्रिपुरा आसन को, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, दोनों सीटें बीजेपी ही लड़ेगी। आईपीएफटी अगर अपनी मांग पे आ रहे तो उनको पूछिए। वी आर नॉट इन ए पॉलिटिकल गेम, वी आर नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पावर। People are playing that game, so they succeeded. Some party, particular party like IPFT, they have succeeded to their goal. But we are not for the political party which will play game like that. We'll speak and we'll do it. We from our party side have already declared that our party, that is IPFT, will contest the Lok Sabha, that is parliamentary election coming 2019. It has already declared and we also press meet last few months ago. It is then in our party that we will contest the Lok Sabha election. It is still standing point to us. असम मिजोरम सीमा में सुरक्षा कड़ी करने की विपक्षी पार्टियों और छात्र संगठनों की अपील के बाद आज मुख्यमंत्री लालथन हावला ने कहा कि विपक्षियों के मांग उठाने से पहले ही हमने पुलिस फोर्स को इसके निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि मेघालय और नागालैंड के विपरीत मिजोरम में गैर मिजो लोग बहुत कम है, इसलिए असम सरकार के NRC के अंतिम मसौदे पर शांति बनाए रखे। ब्रू शरणार्थियों के संबंध में उन्होंने कहा कि ये शरणार्थी कई बार उनकी अपील के बावजूद अपनी मर्जी से मिजोरम छोड़कर गए थे। दशकों से ये शरणार्थी उनके नेताओं का फायदा उठा रहे थे और अब उनके प्रत्यावर्तन का समय तय हो गया है। लालथन हावला कांग्रेस भवन में राजनीतिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। Ani mas nasuan kami mau menyesal dalam tersebut tuan. Ano sanksian leh? Ami rasa benar leh. Tuan apa yang ane cium lupa? नेडा के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत विश्व शर्मा ने आज कहा कि त्रिपुरा की जनसांख्यिकी को देखते हुए यहां NRC की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में असम समझौते के मुताबिक NRC तैयार किया गया है, इसलिए त्रिपुरा या अन्य राज्य NRC तैयार नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि NRC तैयार करने के लिए जरूरी आधार वर्ष त्रिपुरा में कैसे तय होगा, इसलिए IPFT की यह मांग बेबुनियाद है। असम एकॉर्ड के लिए असम में हुआ है अभी, और ये NRC निकालने का बहुत समय है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगा, फिर फाइनल ड्राफ्ट फाइनल होगा, फिर लोक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाएगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। ये लंबा रास्ता है, तो एक बार हो जाने का बाद इसको सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करेगा या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ठीक ठाक हो गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने उदयपुर अंग्रेजी माध्यम स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शुक्रवार को कहा कि पिछली सरकार ने त्रिपुरा के भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार पर राज्य के लिए कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि भविष्य की कोई योजना बनाए बगैर एक राज्य भला कैसे विकास कर सकता है। मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने पूर्व की सीपीआईएम सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार 25 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाती रही। কাজটা কিছুলো আমি এই পাঁচ মাসে বুঝে উঠতে পারিনি যে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী কোন কাজটা করে দিয়েছে যে আমি একবার বলি যে উনি কাজটা উনি করে গেছে। আমি এখন বুঝতে পারি, কারণ মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ক্যাবিনেটকে ফিউচার প্ল্যান করতে হয়। আমি এসে কোনো ফিউচার প্ল্যান পাইনি যে যেটাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যাব। যেগুলো দিয়ে ফিউচার প্ল্যান করা হয় সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে।